हेलो दोस्तों, मैं हूं नूर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सिज्जिन मूवी, जो कि एक टर्किश मूवी का रीमेक है। सिज्जिन मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि टर्की में हुआ था। इस दुनिया के अंदर जो भी बुरा काम करेगा या धोखा देगा, उसका नाम सिज्जिन नाम की एक किताब में लिखा जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। इस वर्ष से मूवी स्टार्ट होती है और हम एक शेमन के घर में दो लड़कियों को देखते हैं। इरमा और वुलन दोनों बहनें थी। वो वहाँ एक काला जादू करने वाले आदमी से मिलने आई थी। वुलन कहती है कि उन लोगों को वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे वहाँ उन तस्वीरों को देखकर काफी डर लग रहा था। अब एक औरत आती है जो दोनों को उस काला जादू करने वाले के पास ले जाती है, जो उसी का बेटा था इक्शन। वो उनसे वहाँ आने की वजह पूछता है तो इरमा बताती है कि वो अपने कजन गलांग को बहुत चाहती है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। इक्शान उसे बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जान भी जा सकती है। और यही बात उसे वुलन के शरीर में आया हुआ जिन पजेस करके भी सेम चीज बोलता है, तो वो अब रुक जाती है। अब हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर इरमा अपनी बहन वुलन और मॉम फरा के साथ गलांग के घर पर आई हुई थी। गलांग की शादी हो चुकी थी निशा नाम की एक लड़की से और उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम सोफिया था। दरअसल सोफिया अंधी थी और आज उसका जन्मदिन था और इसीलिए वो लोग वहाँ आए थे। यहाँ गलांग की माँ की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, वो हमेशा एक बिस्तर में ही पड़ी रहती है अपने बीमारी के कारण। अब यहाँ सभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि गलांग और इरमा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ये बात निशा भी जानती थी मगर उसने गलांग से कभी नहीं कहा। इरमा उसे बताती है कि निशा के साथ उसे जो बेटी है वो अंधी है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो भी अब गलांग के बच्चे की माँ बनने वाली थी। गलांग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इरमा से दूरी बनाने की कोशिश करता है, पर इरमा उससे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थी कि वो उसको दूर नहीं करना चाहती थी और ना ही खुद भी दूर जाना चाहती थी। अब इस मोमेंट में उनमें एक बहस हो जाती है और फिर सीन यही कट हो जाता है। अब हम देखते हैं इरमा गलांग को बार बार फोन करने की कोशिश कर रही है पर गलांग उसे इग्नोर कर रहा था। वो उससे मिलने उसके वर्क प्लेस पर पहुंच जाती है जहां वो उसे देखकर बहुत गुस्सा करता है। इरमा माँ बनने वाली थी और वो गलांग को अपना बच्चा एक्सेप्ट करने को कहती है। पहले दोनों में बहुत प्यार था पर गलांग की माँ ने उसकी शादी निशा से करा दी, जिस पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब गलांग बदल चुका था। दोनों में अब फाइट होती है और गलती से गलांग इरमा को पुश कर देता है, जिससे वो जमीन में गिर जाती है और जिस बात का डर था वही होता है। इरमा के कपड़े खून से भर जाते हैं, यानी गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। गलांग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वो वहाँ उसे कहता है कि अब वो उससे और उसके फैमिली से दूर रहे क्योंकि अब उनके रास्ते अलग हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब घर लौटते समय गलांग को उस्ताद जी मिलते हैं जो एक इमाम थे। वो उसे एक तावीज देते हैं जो कि उन्होंने सोफिया के लिए बनाया था और साथ ही ये भी कहते हैं कि कई अरसे से गलांग और उसके परिवार मस्जिद नहीं आए और उनको नमाज पढ़नी चाहिए ताकि उन पर आने वाली कोई भी मुसीबत टल जाए। अब गलांग अपने घर में सो रहा होता है और तभी उसके पास उसकी बेटी सोफिया आती है। उसने अपनी आंखें निकाल दी थी और वो अपने डैड से कहती है कि अगली बार वो उसे आंखें गिफ्ट करे। गलांग बहुत डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है, यानी वो सिर्फ सपना देख रहा था। लेकिन जैसा कि हॉरर जंकीज को पता होगा कि इस टाइप की मूवीज में जिन अक्सर सपने में अटैक करते हैं, जो कि बाद में रियल भी होने लगता है। खैर, अब वो सोफिया के रूम में जाकर उसके पास बैठ जाता है। दरअसल जब निशा प्रेग्नेंट थी तो गलांग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, वो अपने ही काम में मशरूफ रहता था, जिसकी वजह से आज सोफिया की ये हालत है और वो खुद को ही इसका कसूरवार मानता है। जैसा कि गलांग को अपनी गलती का एहसास हो गया था तो अब गलांग मस्जिद भी जाने लगता है, जहां आज उस्ताद जी सिज्जिन के बारे में बता रहे होते हैं। दूसरी तरफ इरमा गलांग को अब भी बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी, लेकिन गलांग उसे साफ मना कर देता है और कॉल कट कर देता है। इस बात से इरमा को बहुत दुख होता है और वो अब गलांग को अपना बना कर रहेगी, ऐसा सोचकर वो दोबारा से उसी शेमन इक्शन के पास जाती है। वो उसे अपने और वुलन के गहने और कुछ पैसे देकर उसे काला जादू करने को कहती है, जिससे कि गलांग की जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत बचे और वो है इरमा। वो उसे किसी भी कीमत में पाना चाहती थी। इक्शन की माँ भी उसे ये काम करने के लिए मना लेती है। अब इक्शन बताता है कि ढेर सारे इवल जिन होते हैं, जिनमें एक ट्राइब अंजार जिन का होता है जो कि मुस्लिम लोगों को हेट करते हैं। वो उनसे कॉन्टेक्ट करेगा और उसे कन्विंस करेगा कि वो निशा को पोजेस करे। वो फ्रेशली बरी डेड बॉडी के शिन बोन पर कुछ इनकैंटेशन लिखेगा और फिर बफेलो की आंतों से कवर करेगा। लेकिन इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उसे निशा की कुछ पर्सनल चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि बाल, नाखून या कुछ भी जो सिर्फ उसका हो। इरमा उससे पूछती है कि इससे होगा क्या। तब इक्शन बताता है कि इस रिचुअल के कंप्लीट होने पर 5 दिनों के अंदर ही निशा और उसके सारे ब्लड रिलेटेड मारे जाएंगे। अब यहाँ इरमा को सोफिया की फिक्र थी क्योंकि वो उससे बहुत क्लोज थी, पर इक्शन बोलता
लगता है कि उसने भी तो अपना बच्चा खोया है, तो वो इतना क्यों सोच रही है। मेरे ख्याल से इक्शन उन ज्वेलरी और पैसों की वजह से उसको कन्विंस करने में लगा था ताकि वो बैकआउट ना कर ले और उसका नुकसान ना हो। खैर अब इरमा निशा के घर जाती है जहाँ गलांग मौजूद नहीं था। दरअसल वो वहाँ उस रिचुअल में लगने वाले सामान को लेने वहाँ गई थी। वो निशा को बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ जाती है और उसका पर्सनल आइटम ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक सैनिटरी पैड पर जाती है और वो उसको और कुछ बाल वहाँ से चुरा लेती है। वापस जाते वक्त वो सोफिया से एक आखिरी बार मिलकर वहाँ से लौट जाती है। रास्ते में उसे गलांग मिलता है जो उस पर गुस्सा करता है कि उसके मना करने के बावजूद वो उसके घर क्यों गई। इस मोमेंट में इरमा अब मान जाती है उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। खैर अब वो सामान लेकर इक्शन के पास जाती है और उसने भी एक फ्रेश डेड बॉडी के पैर का इंतजाम कर लिया था। वो भैंस के आंतों का भी इंतजाम कर चुका था जिससे रिचुअल कम्प्लीट हो सके। अब इरमा उसे वो पैड देती है जिसे देख कर वो कहता है कि खून से पोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर रिलेटेड आइटम्स। अब वो रिचुअल शुरू करता है जिसके अंदर वो पैड से खून को निकालता है, निशा की फोटो को उस रिचुअल के ब्लड में भिगाता है, फिर वो उस फ्रेशली बरी डेड बॉडी के पैर के हड्डी पर इनकैंटेशन लिखता है और उसे भैंस के आंतों से कवर कर देता है। अब वो फोटो को फाड़ देता है और कुछ इवल स्पिरिट को समन करने के लिए इनकैंटेशन भी लिखता है। इतना करते ही सब हिलने लगता है और इसका मतलब रिचुअल कम्प्लीट हो चुका था और जिन भी आ चुके थे। और वो उसकी फोटो को कुत्तों को फ्लैश के साथ खिलाता है। वो इरमा को बताता है कि आज से अगली 5 रातें निशा के लिए आखिरी रहेंगी, जिसके पूरे होते ही निशा और उससे रिलेटेड सभी लोग मारे जाएंगे और इरमा को गलांग मिल जाएगा। अब पहली रात को जब निशा नमाज पढ़ रही थी तभी उसको भैंस का सर सामने दिखता है, फिर उसके ऊपर ढेर सारा खून गिर जाता है। गलांग के वहाँ आने पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने देखा था। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो पोसेस होकर सोफिया के डॉल के बाल काट कर खाने लगती है जिससे उसको उल्टी भी हो जाती है। वो गलांग को सब कुछ बताना चाहती थी जो उसके साथ हो रहा था पर वो उसे इग्नोर कर देता है। अब दूसरी रात को हम इरमा को देखते हैं जिससे उसकी बहन ज्वेलरी के बारे में पूछती है। वुलन को पता चल गया था कि उसकी ज्वेलरी उसने इक्शन को दे दी है और दोनों में बहस हो जाती है। यहाँ पर अब इरमा के साथ भी हॉन्टिंग इंसिडेंट होने लगे थे। उसे वुलन की डेड बॉडी हॉन्ट करती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर वुलन आ जाती है और उसको संभालती है और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो रियल नहीं था पर वो कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। लेकिन एक मिनट, रिचुअल तो निशा के लिए परफॉर्म हुआ था तो उसका असर इरमा पे क्यों हो रहा था, इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निशा जब नमाज पढ़ रही थी तो उसे वोमिट होने लगता है और उसके वोमिट से ढेर सारे काले बड़े कीड़े निकल रहे थे। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अब वो उस कीड़ों को एक जार में डाल देती है ताकि वो किसी को दिखाकर मदद ले सके। और तभी वो अपनी सास येते के पास जाती है पर अचानक वो पजेस होकर उसे ही मारने की कोशिश करने लगती है। होश आने पर वो तेते से रो गाकर माफी मांगती है और अब वो खुद को संभालने के लिए बाथरूम जाती है जहां वो उस जार को देखती है जिसमें उसने वो कीड़े रखे थे। उस जार से वो कीड़े गायब हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर उसकी सास तेते जो हमेशा बिस्तर में ही पड़ी रहती थी वो चलकर किचन में आती है और खौलता हुआ सूप अपने ऊपर डाल लेती है जिससे वो वहीं पर दम तोड़ देती है। अब तीसरी रात को तेते का फ्यूनरल होता है जहां इरमा भी आई हुई थी। यहां अचानक निशा फिर से पोसेस हो जाती है और तेते की बॉडी को दूर फेंक देती है जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। अब क्योंकि उस्ताद जी वही थे तो सिचुएशन को फिलहाल के लिए संभाल लिया जाता है। ये देखकर इरमा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इक्शन ने जो उससे कहा था ठीक वैसा ही हो रहा था। वो अब सोफिया को उसके रूम में सुलाकर खुद भी सोने जाता है और उसे भी हॉन्टिंग नाइटमेयर्स आने लगते हैं जिससे वो घबरा जाता है और सुबह निशा से माफी मांगता है कि उसने उसकी बात को नजरअंदाज किया। वो बताता है कि वो उस्ताद जी के पास जा रहा है उनसे मदद मांगने के लिए। मस्जिद जाने पर उस्ताद जी उसे बताते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके एक ईवल जिन को यहाँ बुलाया है। वो काफी खतरनाक है पर वो डरे नहीं क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मतलब अल्लाह के सामने उसकी कोई औकात नहीं, वो कमजोर है। अब वो उनसे होली वाटर लेकर घर आ जाता है। अब घर में फिर से निशा को कुछ फील होता है। उसे तेते की आत्मा हॉन्ट करती है जिससे वो चिल्लाती है और फिर गलांग आकर उसे संभालता है। वो उसे देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब सोफिया और निशा के अलावा उसके लाइफ में और कोई भी नहीं बचा था और अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो वो जी नहीं पाएगा। अब वो उस्ताद के द्वारा दिए गए होली वाटर को निशा के माथे में लगाता है और वो पोसेस होकर तड़पने लगती है। फिर कुछ देर बाद गलांग रेडियो में प्रेयर चलाकर वहां से चला जाता है लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद ही वो रेडियो ऑफ हो जाता है और निशा फिर से पोसेस्ड हो जाती है। अब हम फोर्थ नाइट को तेते की बहन फरा और इरमा की माँ को देखते हैं जिसे कुछ इवल वॉइसेस सुनाई देती है जिससे वो पोसेस होकर तोड़ फोड़ मचाने लगती है और फिर कांच खाकर खुद की जान ले लेती है। निशा के खून रिलेटेड लोगों का मरना समझ में आता है पर यहाँ तो चीजें उल्टी हो रही थी जिससे अब इरमा समझ जाती है कि उसी की गलती है। अपनी माँ के फ्यूनरल पर वुलन और इरमा बात कर रहे होते हैं लेकिन वुलन अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि ये सब इरमा की वजह से हो रहा था। इरमा वुलन को संभालती है और कहती है कि वो सब ठीक कर देगी। दूसरी
दूसरी ओर निशा भी अब पागल होने लगी थी। उसे अजान सुनाई देती है और एक बार फिर से पजेस होकर वह फांसी लगाकर खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त पर वहाँ गलांग आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब वहाँ उस्ताद जी भी आ जाते हैं और गलांग से कहते हैं कि निशा को ठीक करने के लिए वो मस्जिद के पीछे वाले हॉल में उसे ले आए, वहाँ उसका एक्सोसिज्म होने वाला था। लेकिन वो कहते हैं कि इस ईवल जिन से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें और निशा को अल्लाह पर भरोसा रखना होगा, तभी वो उस जिन को निशा के बॉडी से निकाल पाएंगे। दूसरे सीन में अब वोलन और इरमा दोनों गलांग से मिलने आते हैं और वो उसे सब कुछ सच बता देती है कि जो भी हो रहा है उसकी कसूरवार वही है, उसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है जिसके कारण सब हो रहा है। ये जानकर गलांग शॉक हो जाता है और उनमें बहस हो जाती है। अब फाइनली आखिरी रात यानी फिफ्थ नाइट आ जाती है, जहाँ पर हम वोलन को पजेस्ड हालत में देखते हैं जो इरमा को हॉन्ट कर रही थी। वो उससे डर कर बाहर की ओर भागती है और फिर वोलन उसे बताती है कि आज वो भी मरने वाली है। ये कहकर वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहां से कूद कर जान दे देती है, जिसमें उसके हेयर्स स्कैल्प समेत अलग हो जाते हैं और वो वही मारी जाती है। इससे परेशान होकर और डर कर अब वो इक्शन के पास जाती है ताकि वो बच जाए। अब यहाँ दूसरी तरफ निशा का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हो गया था, जिसमें उसे कुछ खास रिलीफ नहीं मिल रही थी, बल्कि अब वो एक बहुत ही ईवल जिन के कंट्रोल में थी और उससे पजेस्ड थी, जिसको संभाल पाना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। वो अपने पोजीशन से वहां मौजूद लोगों को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इरमा पागलों की तरह इक्शन को ढूंढ रही थी, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता और अब वो भी पजेस्ड हो जाती है। उसके हाथ पैर अंदर से ट्विस्ट हो जाते हैं, बॉडी अकड़ जाती है और वो भी मारी जाती है। अब फिर से हम निशा को देखते हैं जो गलांग पर हमला कर रही थी, पर उस्ताद जी किसी तरह उसे बेहोश कर देते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि जैसा सब सोच रहे थे वैसा कुछ था ही नहीं, उस पर किसी ने पोजीशन नहीं किया था। दरअसल मूवी इतनी सस्पेंस में थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि अब तक सोफिया की बात क्यों नहीं हुई। जी हाँ, सोफिया ही थी जिस पर काला जादू वाला रिचुअल परफॉर्म किया गया था, क्योंकि जो सैनिटरी पैड और बाल इरमा चुरा कर लाई थी वो सोफिया का ही था और उस दिन उसके फर्स्ट पीरियड्स आए थे। जी हाँ, यानी सोफिया थी जो सबको पजेस करके एक एक करके मार रही थी। अब सोफिया गलांग पर अटैक करती है, पर उस्ताद जी फाइनल प्रेयर करके उस ईवल जिन को सोफिया के बॉडी से निकाल लेते हैं। यानी इस मूवी में जितनी भी मौतें हुई है पजेस्ड होकर हुई है, जो उस अंजार जिन ने ही करवाए थे जो कि सोफिया के अंदर ही था। उसी ने अपनी दादी को खोलता सूप अपने ऊपर गिराने पे मजबूर किया, उसी ने वोलन को भी पजेस करके मारा, और साथ ही जब इरमा इक्शान के घर उसे ढूंढने जाती है तब भी वो वहीं थी और साथ ही इक्शान भी वहां मौजूद था। फिर मूवी के एंड में एक न्यूज आती है जिसमें हमें पता चलता है कि उस मस्जिद के बेसमेंट में एक आदमी की डेड बॉडी मिली है, जिसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, जबकि उसकी पत्नी और बेटी बेहोश थे। और पुलिस को भी इरमा और वोलन की डेड बॉडी मिली, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर। पत्नी गंभीर हालत में पाई गई, जिसकी बीमारी का कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा था। यहाँ टर्किश मूवी से अलग इस वाले सीजन में एंड सीन में हम निशा को देखते हैं, जिसके पास सोफिया आती है और उसे शांत कराती है। और अब हम जान पाते हैं कि यहाँ सोफिया के अंदर अब भी वो ईवल जिन मौजूद था और उसका असर अब भी निशा पर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।